जेलों में बंद सिख कैदियों की स्थायी रिहाई के लिए दिल्ली के बुद्धिजीवियों ने सियासी सिख कैदी रिहाई मोर्चा नाम से एक संगठन बनाया है। इसका मुख्य कार्य सिख कैदियों के अधिकारों की वकालत करने वाले समूह का होगा। अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोर्चे के कार्यकारिणी सदस्यों ने दावा किया कि वे भारतीय संविधान के दायरे में रहकर कानूनी और सामाजिक स्तर पर सिख कैदियों की रिहाई के लिए लड़ाई लड़ेंगे। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्यों ने मोर्चे की आवश्यकता, मोर्चे का कार्यक्षेत्र, जेलों में बंद सिख कैदियों की जानकारी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा 2019 में गुरु नानक साहिब जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर 8 सिख कैदियों को रिहा करने की घोषणा करने के बावजूद दिल्ली सरकार द्वारा भाई दविंदर पाल सिंह भुल्लर और कर्नाटक सरकार भाई गुरदीप सिंह खेहरा को रिहा करने में असफल रहने की आलोचना भी की। मोर्चे के नेताओं के द्वारा दिल्ली और कर्नाटक सरकारों को दोनों सिख कैदियों की रिहाई में बाधा को दूर करने के लिए लिखे गए पत्रों का हवाला देते हुए भाई भुल्लर और भाई खेहरा की तत्काल रिहाई की मांग की गई और क्या कुछ कहा मीडिया के सामने, आइए सुनते हैं। की कारण है कि जो इन्होंने सजावं पूरी हो चुकी ने तो इन्हों क्यों नहीं रिहाई की जा रही, वो सारे मसले असी घोख्या और सानू यह लग्या कि समाजिक तौर पर कानूनी तौर पर इस लड़ाई लड़न के वास्ते जरूरत है, क्योंकि जी सियासी जथेबंदियां ने उन्होंने अपनी एक ना एक कितना कित कुछ उन्होंने रस्ते दे अपने एजेंडे होंगे ने और शायद इस करके जी लड़ाई है अज तक सिरे चढ़न कामयाब नहीं हुई। सरकार कई आई कई गई पंजाब की भी दिल्ली की भी, लेकिन सियासी कैदियों की जी रिहाई का मसला है वह अटकया रहा। तो साडा जो कार्य खेत्र है कि जिहड़े सियासी कैदी ने जो साढ़े को भी कैदियों की लिस्ट है जिन्हों उम्र कैद की सजावं हुई सन और हमने सरदार चमन सिंह जी और सारे कैदियों के तुम्हें ना भी दसणगे और जानकारी भी देणगे कि ये जिहड़े सियासी कैदी ने और उन्होंने जेल का व्यवहार भी बहुत अच्छा है जो रिपोर्ट है साढ़े को, उस दे बावजूद जिहड़ी है उन्होंने रिहाई कितना कितने अटकी हुई है। इस रिहाई नू किस तरीके नाल असी सारिया नू समझा के और किवें असी अगे लै जा के कर सकते हैं वो बारे हम तुम चर्चा करेंगे। मैं बेनती करांगा सरदार चमन सिंह का कार्य खेत्र और जिहड़े सिंघां दी असी रिहाई वास्ते जतन करने ने उहदे बारे वो जानकारी देन। सरदार चमन सिंह जी मैंबर साबका मैंबर दिल्ली से चले हुए हैं कि नाल के जिन्हें कैदी ने जिन्हें नाल के मुकदमेवार से उन्होंने वो छुट के घर अपने बरी होकर पै रहे हैं, क्योंकि वह सिर्फ हथियारों का केस ही हथियारों की केस की सज़ा एज़ पर इंडियन पीनल कोड 10 साल की बनती है। 10 साल उन्होंने उन्होंने कस्टडी इस टाइम 15 साल प्लस हो चुकी है 2005 तो, लेकिन उन्होंने कस्टडी जी शो की गई ऑन रिकॉर्ड वो लास्ट ईयर शो की गई है कि इट मीनस अगर कन्विक्ट भी हो जाते हैं 10 साल उन्होंने पक्के करते सरकार ने। आप चाहते जो तुम पक्के करने हो तो इच्छा हैगी है, लेकिन जो राइट बनता है कैदी का कि उत्थे होगा जिते वे केस ने और पंजाब केस से उन्होंने पंजाब शिफ्ट किया जाए। दैट्स इट। दिल्ली चाहे चाहे वह सिंह सभावान चाहे वह धार्मिक जथेबंदियां या इंसाफ पसंद जथेबंदियां जिहड़ियां चाहुंदियां कि जुलम ना हो सिख सियासी पार्टियां जिहड़ियां गुरद्वारा इलैक्शन लड़दियां चाहे जागो पार्टी है चाहे अकाली दल है चाहे अकाली दल दिल्ली है या बडाला साहब की हैगी जथेबंदी या भाई रणजीत जथेदार रणजीत सिंह उन्होंने जथेबंदी है, इन्हां सारे होर भी कोई जिहड़ी जथेबंदी हैगी है उन्होंने असी मिल के साड़ी जिहड़ी टीम जाएगी मिल के उन्होंने बेनती करेगी कि साडा तुसीं साथ दिओ और बंदी सिंह रिहा होने चाहिए जिथे साडी जिम्मेवारी बनती है उन्हां दी भी प्रॉपर जिम्मेवारी बनती है। असी उन्होंने रिक्वेस्ट करांगे चाहे दिल्ली कमेटी नूं नाल बेनती करनी पवे चाहे होर जथेबंदियों बेनती करना पवे असी उन्होंने भी रिक्वेस्ट करते हैं उन्होंने को जावे टाइम लैके और उन्होंने भी मेमोरेंडम देवे कि तुम साढ़े नाल आओ। इस करके मैं हूँ परमिंदर सिंह कैदी हैं जिन्होंने नजायज़ तौर पर डाके रखे जेलों के और असी सीधे लफ्जा च मंग करते हैं कि इन कैदियों सरकार सेंटर सरकार को राष्ट्रपति को और दिल्ली सरकार को तो दिल्ली के गवर्नर को मंग करते हैं कि सीधे तौर पर तुसी इन्हों रिहा करो क्यों जबरदस्ती बंदी बना के रखा। और एक गल होर मैं जो कहना चाहवागा वो गल ये है भाई जगतार सिंह हवारा दिल्ली से कोई केस नहीं जो दिल्ली केस है बरी हो चुके हैं धक्के तिहाड़ जेल रखे उन्होंने जो इतों पंजाब शिफ्ट करना वह भी जिनी जल्दी हो सके शिफ्ट कर ताकि वह भी बहर आ सकन। तो नंबर एक है दविंदर पाल सिंह जी भुल्लर
ये पहले कैदी है जिहड़े गुरदीप सिंह जी खैरा, ये दूसरे नंबर के कैदी है लखविंदर सिंह जी, गुरमीत सिंह जी, शमशेर सिंह जी, परमजीत सिंह प्योरा, बलवंत सिंह राजोवणा, सिंह भाई जगतार सिंह हवारा सिंह साहब जथेदार, भाई जगतार सिंह तारा, सुरिंदर सिंह जी छिंदा, सतनाम सिंह जी, दयाल सिंह जी, सुचा सिंह जी, अरविंदर सिंह जी गोछा, सुरजीत सिंह जी लक्की, रणजीत सिंह जी, जगमोहन सिंह जी, गुरप्रीत सिंह जी, जसप्रीत सिंह जी, कुलवीर सिंह जी, ये सारे वीर सिंह जिन्हां दी मैं लिस्ट तुहानूं पढ़ के सुनाई है हैगी है। और मैं बेनती करना चाहुंदा पंजाब दे लोकां को, क्योंकि उत्थे बीजेपी ने भी जाना, उत्थे कांग्रेस ने भी जाना, उत्थे अकाली दल ने भी जाना, उत्थे आम पार्टी ने भी जाना। मैं पंजाब दे लोकां नूं बेनती करना चाहवांगा कि जिहड़ा लीडर तुहाडे कोल आंदा उहनूं एक वारी जरूर पुछो कि पंजाब 'च गुरु ग्रंथ साहिब दीआं 5 साल तों बेअदबियां हो रहियां, 400 तों वध बेअदबियां हो चुकियां, और ये बेदबियां क्यों नहीं रुकनियां, क्यों राजनीतिक करके गुरु ग्रंथ साहिब नूं निशाना बनाया जा रहा, और दूसरा क्यों बंदी सिंघां नूं रिहा नहीं किया जा सकता, ये पंजाब के लोग ये पुछण। मैं भाई अवतार की है कि ये मसला हैगा जो दलजीत सिंह होरां ने समझाया कि ये मसला हैगा जिस करके दिक्कत आ रही है, पर साडा जथेबंदी का मुढ़ला जिहड़ा साडी विचारधारा हैगी कि जिहड़ा मसला हैगा सानूं समस्या का पता उहदा हल भी निकलना चाहिए। हुण असीं पहला काम यह कर रहे हैं कि भाई दविंदर पाल सिंह भुल्लर की जी रिहाई के वास्ते दिल्ली के जेल मंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल दोनों चिट्ठियां भेज रहे हैं, और असी रैफरेंस दे रहे हैं कि जिवें केंद्र सरकार ने इन्हां दी रिहाई का तुहानू ऑर्डर दे दिता है, की कारण है कि पंजाब सरकार ने भी जिहड़ी जेल बंद ने अमृतसर उन्होंने भी कहता कि असी रिहाई करन नू तैयार हाँ, सेंटर गवर्नमेंट ऑलरेडी पहले नोटिफिकेशन कढ़ चुकी है और इस नोटिफिकेशन की मार्फत वो यह दे चुके हैं कि असी इन्हां दी सज़ा नू खत्म करन नू तैयार हाँ, छड़ सकते हैं। फिर अखीर दिल्ली सरकार जो केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री ने क्यों परेशान कर रहे हैं, असी इस वास्ते जेल मंत्री सतेंद्र जैन नू और उपराज्यपाल नू दोनों चिट्ठियां भेज रहे हैं, और अगर इस तों कार्रवाई नहीं करते फिर असीं इहनूं कानूनी पद्धर ते कोर्ट दे विच लैके जावांगे। अखीर क्यों 2 साल तो इस फाइल नूं दबा के बैठे हुए ने, यह मामला अक्टूबर 2019 का है और हुण दिसंबर 2021 चल रहा है, 2 साल तो वध दा समा हो गया। केजरीवाल साहब हर हफ्ते पंजाब जाते हैं, अज भी पंजाब ने, और हर फेरी दौरान उत्थे पंजाब जाके सिखां दी गल करते हैं, सिखां दा हमदर्द होने का दिखावा करते हैं, पर क्यों भाई दविंदर पाल सिंह भुल्लर नूं जिहड़े कि मानसिक तौर पर शरीरिक तौर पर दुरुस्त नहीं है, ये उन्हां दी मैडिकल रिपोर्ट्स कहिंदियां ने, उहदे बावजूद क्यों उन्हां दी फाइल रोकिया जा रहा है। सानूं इह लगदा है कि शायद वह हिंदू वोटां दे चक्कर दे विच पंजाब दे विच हरकतां कर रहे हैं, और उन्हां दा कारण है कितें असी भाई दविंदर पाल सिंह भुल्लर की रिहाई ते दस्तखत करते ते सानूं जिहड़े तिरंगा यात्रा कढ के उत्थे वोट लैण दी उन्हां दी इक जो साजिश चल रही है ਉਹ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਵੀ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤਕਨੀਕੀ ਨਾਲ ਕੱਢੀਏ, ਔਰ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਮ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 20-25 ਸਾਲ 26-26 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਸੇ BCN ਨਿਊਜ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।